काफ़ी अच्छे लोग हैं भाई, काफ़ी कसम से। नहीं तो भाई हमारी तो ड्राइवरों की लड़ाई यही होती रहती है कि खाली कर दो, ऐसा कर दो, इतनी डाला ले लिया, वैसा कर दिया। प्लेन में क्या होता है ना, अगर धूप लग रही तो हर कुछ ही लग रही है, जब बारिश हो रही तो भी हर कुछ ही हो रही है। देखो भाई मौसम खुल चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहाड़ दिख रहे हैं भाई सामने आपको, क्या व्यू आ रहा है कसम से। सुबह के बज रहे हैं 11:20, काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज तारीख है 07/07/2023 और अभी खड़े हैं भाई हम। देखो जहाँ पे खाली करनी हमने वहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी, सुबह पहुँच गए थे यहाँ 5 बजे और अभी जाके इन्होंने उठाया हमारे को, लेबर वगैरह आई तो अभी लगा रहे भाई गाड़ी पॉइंट पे। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं इसे स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं बैटरी टक ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और अगर आ ही गए भाई चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई भाई का चैनल, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता तो शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो भाई अभी तो खड़ा हूँ मैं मोहाली में 8 Sector 82 में, तो अभी यहाँ पे खाली करनी है हमने गाड़ी, उसके बाद देखते हैं लोडिंग का भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले खाली करनी है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे खाली हो रही है, क्या चला हुआ है सीन, ठीक है। लो जी अपनी गाड़ी लग गई एकदम एग्जैक्ट जगह पे, और ये कुछ यहाँ का मतलब इंडस्ट्री है तो क्या बोलूँ भाई इसको ना, मतलब बहुत सारे ना बिजनेसेस ना बंदों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए, अब एस्टेब्लिश बोलते क्या बोलते हैं, बस यही बोलते हैं भाई। ओए भाई प्लेन जा रहा है ऊपर से, क्या खतरनाक लग रहा है वही एरोप्लेन, मस्त लग रहा है। ठीक है तो गाड़ी गाड़ी हमें खाली करना, 11 बजे अपनी गाड़ी खाली यहाँ पे, ठीक है। और इनका है जो ओनर है सो हेलो, आप नया काम शुरू किया है ना? हाँ नया काम, तो इन्होंने किया हुआ अपना नया काम शुरू, पहली गाड़ी हमारी, हमारी खुशकिस्मती है थी तो इनका कारोबार भाई मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, दिखा दूँ। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे इन्होंने अपने नए लुक उन्हें शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बना रखा है और ये ऊपर लाइटिंग के लिए है, काफ़ी बढ़िया है भाई प्लाट। देखो किस मतलब हम लोग कितने वो है ना कि हमने जो पहली पहली गाड़ी थी वो हमारी थी यहाँ पे, और ये उतरेगी पूरी गाड़ी यहाँ पे, पर अभी तो नहीं उतरेगी क्योंकि अभी तो इसका जो पूजन वगैरह था वो हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा एरिया है भाई और काफ़ी फैंसी टाइप में बना रखी भाई, अभी तो बनी रही है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको, तो करवाते हैं फटाफट से खाली, अभी तो काम ही करा रहे और अभी यहाँ पर देखते हैं नहाने वगैरह का, क्योंकि कल भी नहीं नहाया क्योंकि बारिश लगी थी। तो ये लगा हुआ है अभी जो अपने सतशैब जी का पाठ, शायद यही बोलते हैं अभी, इतना मेरे को पता नहीं है भाई। ठीक है जूस पी रहे भाई, ये गाड़ी हो रही हमारी खाली, चाय वगैरह की दुकान है नहीं यहाँ पे कहीं भी, थी एक वो भाग गया बेचारा दिन को, धूप देखी उसने सोचा कि आज इतनी बिक्री होनी नहीं है। बस 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 मैंने नहीं लेना, मैंने भी तो कम लेना भाई। दिन के 3 बजने को आ गए हैं और अब गाड़ी खाली हो गई है, अपनी अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है और यहाँ पे व्लॉग डालने की कोशिश कर रहा हूँ, व्लॉग डाल नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है भाई यहाँ का। बस तो 5G चलना चाहिए चंडीगढ़ जैसे एरिया में, बट नहीं भाई 4G भी नहीं चल रहा ढंग से इस एरिया में, तो अभी बस पहुँच लेनी है इनसे बाकी यहाँ। थैंक यू, बरकत हो आपके काम में हमेशा, थैंक यू, ठीक है थैंक यू, ठीक है ओके। तो निकलते भाई फटाफट से, और यार माननी नहीं यार, 500 रुपये दे ही दिए इन्होंने कि हमारी खुशी है नया काम है शुरू किया हुआ, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं भाई काफ़ी कसम से। नहीं तो भाई हमारी तो ड्राइवरों की लड़ाई यही होती रहती है कि खाली कर दो ऐसा कर दो, इतनी डाला ले लिया वैसा कर दिया, इतनी लड़ाई होती ना हमारी। और पहली बार भाई ज़िंदगी में ना कसम से इतनी खुशी से माल उतारा, मतलब कोई टेंशन ऐसा लग रहा था जैसे घर का लेके आए हुए, क्यों इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे फ़ोन पे बात, मतलब मज़ा आ गया भाई इनसे बात करके, और ये 500 रुपये भी दिए इन्होंने, तो बरकत हो यार इनके काम में। मानने ही नहीं है कि हमारी खुशी है और हमारा नया काम शुरू हो रहा है तो आपको लेने तो पड़ेंगी, क्या कर सकते, काफ़ी अच्छे लोग हैं यार। चलते भाई अपने पास लोकेशन आ गई, सामान लोड करने हैं फिर उसके बाद दूसरी जगह भी जाना है, 2 सामान है हमारे पास जुनगा के, ये अपना लोकल चक्कर है, ठीक है लोकेशन आगे निकलते हैं, इंडस्ट्री एरिया फेस 1 पे जाना हमने पंचकुला, तो
चलते हैं यार अभी, और बारिश का मूड बन नहीं गया और बारिश लगी गई है देखो भाई यहाँ पे तो कसम से। मैं तो नीचे प्लेन में क्या होता ना, अगर धूप लग रही तो हर कुछ ही लग रही है, जब बारिश हो रही तो भी हर कुछ ही हो रही है। तो ऐसे नहीं कि कोई आराम से ना, इतने मोटी मोटी बारिश हो रही ना, दो मिनट में अभी पानी भर जाना यहाँ सारे में। अभी तो गलियों में अभी मेन रोड है सामने दिख रहा है जो आपको, और एयरपोर्ट वाला रोड है ये जिसमें हम आए हुए हैं। कम से कम 7-8 किलोमीटर आए हुए हम एयरपोर्ट वाले रोड पे, जो मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो उधर पे। तो ये है भाई देखो मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो रोड है, और उसी पे ही हम चले हुए। अभी बारिश तो बंद होगी, एकदम से आती है एकदम से बंद हो जाती है। तगड़े ही काम है यहाँ पे। तो हमने जाना अभी चदरे लोड करने, अभी जा रहे हैं हम 2.5 टन चदरे हैं, और उसके बाद ब्लॉक लोड करने जाना है हमने जो अपना साहा रोड है ना, अरे वहाँ तक। तो अभी तो ज़रा टाइम लग जाएगा, मतलब रात हो जाएगी माल तो लोड करते करते हैं। उसको बोलते हुए भाई कलाकारी और पैसे का खेल। पैसा होना भाई क्या नहीं हो सकता, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कसम हर कुछ मज़ा ही आ गया। मतलब इस साइड को आते हैं ना जब आप एरो सिटी एयरपोर्ट साइड को, मोहाली साइड को, मतलब अभी डेवलप हो रहा है एरिया, इतना हुआ नहीं है अच्छे से डेवलप हो रहा है। जैसे मतलब चंडीगढ़ है ना अंदर सिटी का एरिया है, तो वो ऐसे बिल्कुल गलियां सी है, लेकिन ये जो मोहाली मतलब जो बन रहा है ना अब, मतलब इसमें पहले से ही बहुत चौड़े चौड़े रोड बना दिए और बिल्कुल एकदम प्रॉपर बिल्डिंगें बन रही है एक के बाद एक। काफ़ी अच्छा लगता है इस साइड को आगे, और जब ये पूरा मतलब एक ऐसे बन जाएगा ना जैसे चंडीगढ़ अंदर, अभी तो इधर जंगल टाइप भी है थोड़ा सा, फिर ये बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है, और इतने चौड़े चौड़े रोड है भाई, कम से कम एक ही साइड को है 4-8 लाइन रोड है बने हुए, काफ़ी अच्छा लगता है ट्रैवल करना भाई। तो भाई पहुंच तो गए हम बालाजी स्टील्स, और ये है अंदर पंचकुले का थोड़ा सा इंडस्ट्री एरिया, प्लॉट नंबर 132 इंडस्ट्री एरिया फेज 1 पंचकुला। और अब यहाँ पहुंच तो गए, अब गाड़ी लगाने के लिए बोरे अभी तो साइड में अभी जस्ट लगाई थी, लेकिन ये बोरे की लगाई दो गाड़ी लोड कर ही लेते हैं आपकी। मैं कहा ठीक है भैया जी, हमारे को तो बढ़िया ही है, हमारे को तो बेनिफिट ही है, जितना जल्दी करेंगे। रोटी भी नहीं खाई हुई है, पहले भी एक गाड़ी लगी है, पर दो गाड़ियाँ लग जाती है वैसे यहाँ पे ना। बैग लगानी, ओके ओके मामा, आई गॉट इट। चलो जी गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। फाइनली भाई 5 बजे जाके अब हो रहा है हमारा सुबह से लेकर, ब्रेकफास्ट बोलो डिनर बोलो, सॉरी ब्रेकफास्ट बोलो चाहे लंच बोलो, आप जो मर्जी बोलो, अब जाके हो रहा है। अभी रास्ता त्रिपाल वगैरह उठाया पीछे जाके, फिर अनु था गया हुआ खाना लेने, तो खाना आ ही गया, खाना लेने भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो खाना माल के सेंटर में, सेंटर में लगा दो सेंटर में। और अभी खाना खाते हैं, गाड़ी होने शुरू होगी लेट, मतलब गाड़ी लोड होना शुरू हो चुकी है, और थोड़े सा ही होना है 2-2.5 टन ही है माल, उसके बाद जाना पड़ेगा ब्लॉक लोड करने, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज काफ़ी है, मतलब 2-3 जगह जाना पड़ रहा है हमारे को। तो ठीक है यार, जैसी हमने आज खाली की वैसे लोड मिल गया, वैसे कल मैंने काम भी कराना है सोलन में, क्योंकि वो भाई टायर पाने से भी नहीं हुआ वो ठीक है ना, कई रोक बोर थे ना कि आपने आगे दूसरा टायर पाया हुआ तो करेगी भाई, ऐसे ब्रेक मारने पर थोड़ा ना हिलता है स्टीयरिंग, अभी भी ये टायर भी पा दिया सब कुछ तब भी हो रहा है, तो वो दिखाना है कल। लेकिन आज का हमारा जो खाना है वो आ चुका है, इसलिए हम खाना खाएंगे। अब पानी की बोतलें आ गई है, ठीक है, सो फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो भाई जी गाड़ी तो हमारी हो गई है लोड, अरे तो सबसे इम्पोर्टेंट है 5,000 है इस टाइम, 5,000 क्योंकि 5 कुरियर करानी हमने। तो इनवॉइसेस आ चुके हैं अपने, गाड़ी नंबर देख लेता हूँ यार एक बार, HP 8245, क्योंकि गाड़ी नंबर गलत हुआ ना भाई, ये तो फंसेंगे इनके साथ साथ हम भी फंसेंगे। तो अभी त्रिपाल डाल रहे उधर, बाकी ये देखो आप क्लोज दिखाऊँ आपको, बोलो कूड़ा कचरा फेंकना मना है, और यहाँ देखो भाई कितना सारा कूड़ा फेंका, मतलब इंडिया भाई कसम से कमाल ही यार इंडिया भी, जहाँ पे जो चीज़ मना होती है ना करनी वो वहाँ पे होती है पक्का।
देखो कितना सारा कचरा फेंका, तो अनु डाल रहा है फटाफट से। त्रिपाल में एक रास्ता पा रहा है हमने, क्योंकि अभी बाहर ही जाके फिर से लोड करनी है वहाँ पे साहा वाले रोड में जाके, तो चलते हैं वहाँ पे फटाफट से लोड करवाते हैं। बाकी खाना हमने खा ही लिया, चलो ठीक है, जो भी मिल गया ठीक था। और शाम तक अब कुछ नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है, 11-12 बज जाएंगे, क्योंकि जो ब्लॉक्स है वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, छोटे छोटे से जो नीचे लगते हैं ना ब्लॉक्स, आपको दिखाऊंगा अभी वहाँ जाके। तो ये है जी हमारे यहाँ का मौसम, और हमने जाना देखो यमुनानगर नाडा साहिब वाले रोड पे, और ये देखो भाई मौसम खुल चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पहाड़ दिख रहे हैं भाई सामने आपको, क्या व्यू आ रहा है कसम से, मज़ा ही आ गया। सो एग्जिट मारते भाई यहाँ से। तो ये पहुँच गए भाई हम रामगढ़, और रामगढ़ से मुड़ते डेरा बसी वाले रोड पे जाना हमने थोड़े से आगे को। मौसम खुल चुका है, दिन को लगी थी बारिश और अभी खुल चुका है मौसम खतरनाक। फाइनली भाई पहुंच गए हम जहाँ पे लोड करनी है गाड़ी, ये हमारे ठेकेदार जी। हेलो तुम लाओ, नहीं हम हाथ नहीं मिलाते किसी से। तो ये सारी लेबर है यहाँ पे, नहाने को मिल जाएगा? नहाए नहीं हुए यार, दो दिन हो गए यहाँ लग गई हमारी गाड़ी, अब करेंगे लोड। कल तो चादरें उतारनी पड़ेगी यार नीचे, उसके लिए भी सीन हो गया। वो बोलते हैं कि भाई पैसे देंगे, क्योंकि देखो उतराई चढ़ाई का पैसा लगेगा तभी जाके वो लोग उतरेगी, नहीं तो हम नहीं उतारेंगे। मैं कहा ठीक है भाई कर लो बात। तो ये देखो चादरें ना इतनी सी है यहाँ पे, इतना सा, तो ये उतारनी पड़ेगी पहले नीचे, फिर चढ़ाई होएगी, फिर ये ब्लॉक पड़ेंगे। और ठीक है, मैंने क्या दे दिया है जोर, ए बंद हो गया। अरे मैंने करके क्या है, कपड़ा लगा हाथ रख के। हाँ तो गाड़ी दौड़ा हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन अनु जी ने बंद कर दिया है। तो भाई देखो दो दिन से नहाए नहीं हुए, और अब नहाना है हमने यहाँ पे, और ये पाइप है इतनी मोटी पाइप दिख रही है आपको, ये वाली अब नहाएंगे हम इधर, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। 8:07 और हम हो चुके हैं नहा धो के एकदम से रेडी भाई, नहाने के लिए तो है भाई यहाँ पे, इतना मस्त पानी है ना भाई, तो बहुत प्रेशर में, और हमने गाड़ी पे मारा देखा ही आपने। ठीक है, बाकी बेल्टियाँ वगैरह पकड़नी है इनसे, बिल वगैरह लेने हैं और चलना है। अभी ऐसा करते हैं फटाफट से धूपबत्ती करता हूँ, भगवान जी को करते हैं याद, और ये हो गए देखो ब्लॉक्स लोड हमारे ना, ये होते ब्लॉक्स, मतलब इतने जो नीचे लगते बिल्कुल वो नहीं है, दूसरे वाले ब्लॉक्स नहीं है जो ऊपर लगते हैं। हाँ जी वीडियो बन रहा है, और ये चादर देख लो कितनी लंबी यहाँ से लेकर और इधर तक, मतलब घर वाली तो नहीं है मेरे, कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती बस। चलिए फिर कितने कितने उठा रहे, दो दो तीन तीन बहुत है ना, एक छोड़ दिया भाई को खड़े बड़े रे बस तेरी जान जय हो मोडर करावा तो तगड़ा ही काम इन्होंने भाई कसम से, गुड शाबाश यार, जय हो। चलो जब तक गाड़ी लोड हो रही है तब तक हम कर लेते हैं थोड़ा सा, शीशे वगैरह साफ कर रहे हैं अभी, क्योंकि गाड़ी हो रही है लोड, तब तक ये हो जाएगा सारा लोड, ये भी है वो भी है, तो ऊपर जाला मारना पड़ेगा फिर से, और उसके बाद निकलेंगे क्योंकि बिल्टी अपने पास आ चुकी है भाई। जय हो, हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, काफ़ी मस्त बंदे भाई, मज़ा आता है इन लोगों के साथ, ठीक है मतलब बढ़िया बंदे यार। तो बिल्टी अपने पास आ चुकी है, और बिल्टिया तो क्या बिल्ली है, ये तो डायरेक्ट ही जा रहा है यहाँ से, मतलब अपने उधर के लिए आईटीआई के लिए, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ उतर रही है गाड़ी हमारी। ठीक है, तो कर लेते हैं शीशे वगैरह साफ, उसके बाद निकलेंगे भाई। लो जी फाइनल हिमाचल में एंट्री हो गई अपनी, बस इससे आगे कोई टेंशन नहीं है, हिमाचल में आपका स्वागत है खाना खाने के लिए।
जाबली में, उससे पहले कहीं रुकना नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं भाई, चले भी है। और हमने जाना है सचिन भाई के पास वापस से, पूरी थोड़ा सा कल काम करवाएंगे, उसके बाद चलते ही रहेंगे भाई। ठीक है, फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं जाबली। जाबली से ऊपर जो एक अपना ढाबा है शेखर ढाबा, वहाँ पे पहुँच गए। टायर वगैरह देख रहे, टायर वगैरह तो ठीक ही है। खाना खाने रात के 11:30 बज चुके हैं। आप बस पत्थर पुत्थर ना है आजकल तो यही है बस, के ऊपर से ना काफ़ी पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, एक ही साइड ओपन है एक साइड बंद है, बहुत सारे पंगे रहते हैं भाई जब बारिश हो रही होती ना हमारे हिमाचल में, तब कहाँ से लैंडस्लाइड आ जाए, पत्थर आ जाए, कोई पता नहीं है। तो चलते हैं खाना खाते जाके। तो ये भाई शेखर ढाबा, इधर ये भाई शेखर ढाबा, और यहाँ पे खाते हैं हम खाना। काफ़ी गाड़ियाँ रहती भाई रुकी हुई, खाना खा के तो हम आ गए। और ये कुछ टॉफियाँ चॉकलेट्स ले ली हमने खाने को, खाना वगैरह खा के शेखर ढाबे पे मिलता है आपको। तो भाई लोग आए भाई मिलने, उन्होंने गाड़ी देखी यहाँ पे, और अभी खड़े हम जाबली से ऊपर वाले मोड़ पे। तो ये भाई है, क्या नाम है आपका? रोहित ठाकुर। रोहित भाई का नाम है, और सिरमौर से है भाई। बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था भाई मिल के, कसम से दिल खुश कर दिया यार। हिमाचल में जैसी हम अभी एंट्री हुए थे और भाई लोगों से मुलाकात होगी, और भाई एक और इनके साथ, आपका क्या नाम है? विक्रम भाई। तो राजगढ़ से, राजगढ़ सिरमौर से ही है, बाकी इनके पास LP है भाई, और क्या नंबर उसका? 3297 है। बाकी भाई लोग कहाँ कहाँ चलते हैं? पाकिस्तान भाई, हम तो लोकल चलते हैं भाई, हम लोग लोकल चलते हैं। ईंट रेत बजरी के लिए संपर्क करें, किसी को भी चाहिए हो ना भाई, भाई के साथ भी कांटेक्ट करें, अपने साथ भी कांटेक्ट करें प्लीज। अरे भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई कस्टम से यार कभी भी गाड़ी देखो ना भाई, निधड़ कभी उठ सोए भी हो ना उठाओ, जो मर्जी करो भाई, आप लोग ही हो, आप लोगों की वजह से ही है खास, और आप लोगों ने बनाए हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, नहीं तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो भाई से बहुत अच्छा मिला भाई, थैंक यू यार। इंस्टाग्राम आईडी बता दो अपनी भाई। मेरी रोहित ठाकुर 97 है। ठीक है, मेरी विक्रम राठौर। ठीक है, डबल जी। तो ये वाली LP है भाई, जो हमारे को अभी मिले थे भाई लोग, रोहित भाई 3297 HP जॉन्ट। ठीक है, काफ़ी मस्त बंदे भाई, ऐसा मज़ा आया ना भाई भाई को मिल के। तो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे लिए रुके भाई। और ये है आपकी LP देख लो आप अपनी। गुड यार भाई, मजा आ गया आप लोगों से मिलके यार, जाम लगा दिया हमने गाड़ियों का। तो देखिए पीछे कितनी सारी गाड़ियां होगी इकट्ठी। 2:22 हो रहे हैं और हम अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, भूख लगी दोबारा, अभी खाना खाया, अभी दोबारा से भूख लगी हमारे को। तो करते भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, Punky0916 के नाम से मेरी ID है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, 11K होने वाले हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भाई नए लोगों को आप जोड़ सकते हैं इस चैनल पे। और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखे, अपने माँ की सेवा करते हैं, और देखते रहे भाई ड्रीम टक्स व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।